अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस जगह पे आए हैं वो है हुसैनाबाद स्ट्रीट, और हुसैनाबाद स्ट्रीट पे देखते हैं क्या क्या स्ट्रीट पे जो है कार्ड हैं, क्या क्या डिशेस और क्या फूड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और साथ ही जो है फ्रिकन फ्राइज़ की जो है रेसिपीज़ भी जो है हम आपको दिखाएंगे बनते हुए कि उनके पास क्या बन रहा है। तो चलें आइए देखते हैं फूड स्ट्रीट पे जो है क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ये देखें जी लिमका, ये हैं लिमका वाले भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? सब खैरियत है? कौन कौन से फ्लेवर हैं? कितने का है एक? कितने का है? 100 रुपीज़ का गिलास है, मटका 200-250। 200-250 का मटका भी है? मटका लिमका भी है। मटका लिमका भी, वाह भाई वाह, मटका भी आ गया लिमका। VIP है, चले भाई ज़बरदस्त भाई, मटका लिमका भी आ गया है हुसैनाबाद पे भाई। बिरयानी मटका भी था, फ्राइज़ मटका, और अब आ गया है लिमका मटका। और ये हैं गोलगप्पे वाले, चेक तो करवाओ यार एक गोलगप्पा। ये देखें जी गोलगप्पा, ये बनाया है भाई चने डाल के, और चटनी मीठी चटनी और दही। ये देखें जी दही, ओए होए होए, कितने की प्लेट है? 150। 150 की कितने दर्जन होते हैं ये भाई? दर्जन होते हैं 150 के। और ये हुसैनाबाद की स्ट्रीट पे, क्या नाम है तुम्हारा? हैं हाँ 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 भाई, ये देखें जी ये गोलगप्पा बनाए भाई ने, ये ज़बरदस्त। ओहो भाई बेहतरीन बेहतरीन का गोलगप्पा बनाया था इन्होंने, मज़ा आ गया। ये बना रहे हैं भाई चपली कबाब। चपली कबाब बीफ के होते हैं चिकन के? ये बीफ के हैं। कितने का एक चपली कबाब? 50 का एक। ये भाई 50 रुपये का एक है। जो कि कैसेडला रैप है, इसमें हमारा चिकन का ब्रेस्ट आएगा 125 ग्राम इंच का। हमारे जो फूड है फोल्डेड रैप है, इसमें आपको फर्स्ट बाइट टू लास्ट बाइट। हमारी कंपनी से इम्पोर्ट है, पर ये हमारे अगेन जो कि श्री मैनिया सॉस है। ये मेरे को नहीं जा रहा है हमारा जल रैप, जो कि कैसेडला रैप है। इसमें हमारा चिकन का ब्रेस्ट आएगा 125 ग्राम इंच का। एंड देन इसके बाद ऑप्शंस में बीफ बेकन एंड टर्की यूज़ की जाती है। हमारा फ्लेवर अभी जो मेक हो रहा है वो टर्की वाला हो रहा है। अदर वन, अगर आप टर्की लवर नहीं तो आप इसको बीफ बेकन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि एक रिच फ्लेवर देता है आपको। बेकन फॉर्म जो है वो हमारे स्मोकन फॉर्म होता है, और स्टार्चर जो है वो अच्छा होता है। बेकन हमारा सिग्नेचर पार्ट है, और हमारे ग्रीन लीव्स आएंगे वन साइडेड पे। ऐसा आपको क्लॉक वाइज बनाया जाता है ताकि आपका जो टेस्ट बर्ड है वो आपकी ओवरऑल वेजिटेबल एंड मीट को एक साथ कर सकते। वन साइड आएगा हमारा एक टेंडरलॉइन चिकन का पीस, एंड देन अरब प्रोडक्ट है तो हमारे पास यहाँ पे आएंगे फ्राइज, जो कि इस रिस्ट रैप को और हैवी कर देंगे। सॉस की बात की जाए तो फर्स्ट सॉस हमारे पास यूज़ की जाएगी हर्ब सॉस, जो कि हर्बिक फॉर्म पर होती है।
यानी आपको इसमें योगर्ट मिक्सर्स बैसल्स थाइम इस तरह के प्रोडक्ट इसमें ग्रेडी वेडी में मिलते हैं, तो फ्लेवर स्टार्चेस बहुत अच्छा होता है। सेकेंड बना दी हमारी डायनामाइट सॉस इसके फ्राइज के लेयर के ऊपर। ये आ रहा हमारा रेड हॉट सॉस जो कि स्पाइस लेवल को अच्छा जनरेट करता है। जो इसका मेन मैरो पार्ट है वो हमारा इसका रैपिंग पार्ट है जो कि वन साइड टू साइड एंड थ्री साइड पे इसको रैप करता है। इस फोर लेयर्स के हमारे जो फोर स्टेप फोर रैप है इसमें आपको फर्स्ट बाइट टू लास्ट बाइट ओवरऑल सब फील करने को मिलेगा कि आपको कोई भी सॉस या कोई भी मीट आपको ड्राइनेस में फील नहीं देगा। ये क्या बना रहे हैं? ये हमारा 14 इंचेस का लॉफ है जिसकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है यहाँ पे। मैं बीफ का शैडेड यूज़ किया जा रहा है। इसमें वैसे 8 फ्लेवर्स हैं, आप इसको शैडेड बीफ, 4 टाइप ऑफ चिकन एंड हाफ बीफ, स्टेक लॉफ, टॉप लाइन लॉफ, ग्रिल्ड स्टेक लॉफ, टी बोन लॉफ, इस तरह से प्रिपेयर करवा देते हैं। अभी जो मेक हो रहा है वो जूलियन लॉफ है। जूलियन बेसिकली शैडेड होता है तो मीट का मील करने में आपको इजी रहता है। इसमें जो बीफ के चंक्स है उसका फ्लेवर जो बहुत ऑथेंटिक होता है जी। ये बीफ का इसमें 250 ग्राम बीफ एंड 100 ग्राम वेजिटेबल यूज़ की गई है। चिकन के अंदर भी शैडेड यूज़ किया जाता है जिसमें हमारे स्टेक ब्रेस्ट को यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर से। ये 14.5 इंचेस है जो कि सबसे लीस्ट साइज़ है, यानी फ्रिकन फ्राई के पास आपको इससे भी लार्ज साइज़ मिल जाएंगे 20 इंचेस 25 इंचेस। इसकी जो प्राइस है वो 700 से स्टार्टअप है। अभी जो मेक कर रहे हैं हम लोग वो 1250 वाला बीफ है जो कि टॉप लाइन बीफ के अंदर यूज़ किया जाता है। ये 14 इंचेस का जो हमारा लॉफ है उसको फर्स्ट हम लोग उसको टॉप कट कर देंगे ताकि इसमें वी कट से आपको फिलिंग हो जाए। इसके इनसाइड की जो स्टफिंग है वो रिमूव हो गई एंड देन हम इसके अंदर प्रोडक्ट फिल करेंगे। हमारा फर्स्ट सॉस जो हमारी आ रही है वो चिली मैनिया सॉस है जो कि स्पाइस टेक्सचर जनरेट करेगी। देन अदर वन इसमें बेक पोटैटोज आएंगे जो कि कर्ली फ्राइज के ऊपर बेस्ड है। इसमें जो क्रिस्पनेस है वो इसके लॉफ को पिलर पॉइंट पे वर्क करेगी। इस आर्टिकल लॉक की जो प्रिपरेशन है वो ब्रेड इसकी हील साइज जो है वो गार्लिक में एक टॉप इसका फ्रेंच है और मिड पॉइंट इसका बटर फ्लफ, यानी ब्रेड के इनसाइड में भी आपको 3 डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे। और प्रोसीजर में इसमें हमारे बटर लिक्विड आएगा जो कि इस बीफ को बूस्ट देगा इसके टेंडराइज होने में और इसके फ्लेवर ब्रेड को एडिट करने में। हमारा जो रॉ बीफ है वो टाटा बेस्ट फूड से अवेल करता है जो कि इसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल एक हाइजेनिक प्रोडक्ट में हम लोग को सर्व करता है। और इसका मेकिंग टाइमिंग जो होता है हमारा वो आफ्टर प्रोसीजर 7 to 8 मिनट मैक्सिमम होता है कि इसकी जो बॉडी है वो हमारी बिल्कुल फ्रेश कुक हो जाती है। आप इसके जूसनेस देख सकते हैं तो बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, हमारा मीट बिल्कुल टेंडर हुआ हुआ है। ये फिल होने जा रहा है हमारा लॉफ के इनसाइड पर जो कि 14 इंचेस के पूरे लॉफ को कवर कर देगा। इस 250 ग्राम बीफ की जो क्वांटिटी है वो इनफ होती है सर फॉर 2 ग्राम। इसमें जो कुकम्बर्स और वेजिटेबल्स हैं जो हमारे सौते हुए हैं वो एक अलग ही टेक्सचर जनरेट करते हैं हमारे बीफ लॉफ के इनसाइड के फ्लेवर को अपग्रेड करने में। आप फिलिंग के बाद देख चुके हैं कि इसका जो हैशेस हैं इसके टॉप से लेकर हमारा पूरा मेट जो है पूरा एक स्टफ हो चुका है। ये फ्लेवर हमारा स्पाइसी होता है तो इसमें हमारा रेड मरारा सॉस जाता है मैरिनारा सॉस के बेस पे जिसके इनसाइड में पोमेग्रेनेट के चंक्स
डिफरेंट टाइप ऑफ वेज सॉस यूज़ की जाती है। टॉपिंग की बात की जाए तो टॉपिंग हमारे यहाँ एंड नहीं है। अब हम इसके अंदर एडिट करेंगे हमारे टर्की ब्रेस्ट स्लाइस, जो कि इसका सपोर्टर मीट है, और चेडर स्लाइस आएंगे हमारे पास इसके ऊपर। दो स्लाइस हम लोग लॉफ में यूज़ करते हैं बीफ के प्रोसीजर में, और चिकन में हमारा एक्चुअल जो स्लाइस है वो सिंगल है। अदरवन अगर आप इसको डबल करवाना चाहें तो वो डबल भी हो जाता है, अगर आप चीज़ लवर हैं तो। चीज़ जो है वो स्ट्रेच और डिश फ्लेवर दोनों दो वर्कआउट होती है। हमारा टर्की देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है, और इसके अंदर जो स्लाइस है टर्की का वो 20 ग्राम का पर हमारा ब्रेस्ट है, जो कि मेडमार कंपनी से इम्पोर्ट है। इस लीन टर्की को हमारे मिड पे एडिट कर दिया जाएगा ताकि जो भी हमारे दो कंपोनेंट्स हैं जो मील करने वाले हैं उनका ना दोनों इक्वालिटी रहे। सॉस आ रही है हमारी अगेन, जो कि शरीमानिया सॉस है। एंड देन लास्ट वन हमारे जो हैशेस हैं उसको हम कट करके इन साइड में सॉस फिल करेंगे ताकि आपकी जो मील है वो एंड तक बिल्कुल इंजॉयबल रहे, आपकी जो मील है वो बिल्कुल बोरिंग ना हो। लास्ट में आपको एक सॉस का पंच मिले ताकि अपने ब्रेड भी कंप्लीट कर पाएँ और आपकी मील जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे। आफ्टर दिस कंप्लीटिंग प्रोसेस ये होने जा रहा है हमारा बेक, और बेकिंग टाइम इस लॉफ का जो है हमारा वो 4 मिनट्स है। तवा कलेजी, तवा कलेजी वाले हैं ये, तवा कलेजी है ना ये जी भाई। ये किसके बीफ है या मटन? बीफ है जी। ज़बरदस्त भाई, क्या किसके चपाती के साथ खाने का है? चपाती भी है भाई, बर्गर भी है, रोल भी है। अच्छा, ये उसके साथ तो कितने की एक प्लेट है? 100, 150, 200। ज़बरदस्त भाई, खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त कसम की आ रही है। बीफ तवा भाई, ये देखें भाई, फ्राई करने के लिए कहा है भाई, एक फ्राई करके देखते हैं कैसी है। ये देखें जी, हाँ 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 भाई, बड़ा मज़ेदार किस्म का मसाला लगाया है भाई। क्या घर के मसालों में है ये? सारे घर के मसालों में। ज़बरदस्त, ये हैं भाई अल मदीना कलेजी एंड रोल पॉइंट वाले, हुसैनाबाद स्ट्रीट पे तवा कलेजी बीफ। और ये हैं वेफर वाले, वेफर नाइट, और ये फ्रेंच फ्राइज वाले को जो है हुसैनाबाद की फ़ूड स्ट्रीट का हम आपको दिखा रहे हैं। हुसैनाबाद की फ़ूड स्ट्रीट पे देखें कैसी ज़बरदस्त कस्म की जो है रौनक लगी हुई है। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हमने आपको जो हुसैनाबाद की फ़ूड स्ट्रीट का जो है दिखाया है, फ्रेंच फ्राइज़ वालों का जो है हमने आपको दिखाया है कि इधर कैसे बना रहे हैं ये अपनी रेसिपीज़ को। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।